ये आँखियाँ में तू का जड़ छोड़ो हाथों में पैर से ये होटन पे लिप लोज में कब लूंडा को कह रहे से ये मैं कब सू ओए मैं कब सू तेरे साथ में क्या मारूं मैं कब सू ये बटर फलाई माता में बिंदिया घर चोर की लागे ये पतड़ी सनिया वाड़ी लुगड़ी मुंडो तेरा दी के ये हाथन में हो ये हाथन में ये मोटी पैरी हाथन में ये कैमरा में ले बस एलपी डांस दिखा डीजे पे ये कालो लेंगो गजब लगे सारी लुगड़ी पीड़ी पे ये फोटो में होई फोटो में सारी गजब लगे तू फोटो में जन फोटो में तू गजब इनों फुट उलड़े पाव तेरा यस डीजे साउंड पे ये यस को बड़ी शानदार प्रस्तुति पूर्वी राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसको साकार किया गया। अब मैं एक जानकारी और घोषणा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 40 किलो मिठाई महाविद्यालय छात्राओं के लिए भेंट कर में हेतु पाठ में हेतु जो घोषणा की गई है स्वर्गीय रामकेश जी सिंह द्वारा महाविद्यालय छात्राओं के वितरण हेतु 40 किलो मिठाई की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा छात्र छात्राएं जोरदार तालियों के साथ एक बार धन्यवाद धन्यवाद प्राप्त कराएं श्री स्वर्गीय रामकेश जी का सिंह द्वारा। आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और चर्चा उद्घाटन समारोह में हमारे बीच महाविद्यालय में अतिथियों के पधारने का सिलसिला जारी है। कुछ ही समय में
काशीराम सिकवादा और हनी दत्ता युवा नेता एवं काशीराम पटेल फुर्ती से मंच पर आए। इनके माल्यार्पण एवं स्वागत हेतु मैं महाविद्यालय छात्र कार्यकारिणी से आग्रह करूंगा कि इनको माला पहनाकर स्वागत करें। हनी दत्ता उभरते हुए युवा नेता हनी दत्ता जहाँ कहीं भी है मंच पर पहुंचे अरवान का स्वागत किया जा रहा है। आमिर खान उपाध्यक्ष आमिर खान बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले काशीराम का स्वागत महाविद्यालय छात्र अध्यक्ष अंकुर मीना द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सोनम अगली प्रस्तुति अगर वो मंच पर आए छात्रा सोनम उत्साह के लिए
अगली प्रस्तुति, अगली प्रस्तुति के लिए महाविद्यालय के छात्र सौरभ मीणा, ऊर्जावान छात्र सौरभ मीणा द्वारा ताई थाकी ताई और दूध जिठानी मारी है
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं।
पर इन लोगों को मंजिल मिलेगी अकेला ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर हर लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, पर ऐसे ही व्यक्तित्व की धरी हमारे मुख्य अतिथि माननीय लाखन सिंह जी, जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उनके स्वागत एवं सम्मान के लिए महाविद्यालय के समुदाय सदस्य उनका स्वागत एवं सत्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के विशिष्ट अतिथि गण श्रीमान ब्रजेश जी जाटव। श्रीमान ब्रजेश जी जाटव सभापति नगर परिषद हिंडौन जो कि हिंडौन के प्रथम नागरिक भी हैं। श्रीमान ब्रजेश जी जाटव का स्वागत एवं अभिनंदन महाविद्यालय संस्थान सदस्य प्राचार्य होते द्वारा दस कॉलेज के प्राचार्य मुकेश जी को द्वारा नगर परिषद सभापति श्रीमान विजय जी राजा जिनका समय समय पर महाविद्यालय के विकास का निरंतर सहयोग होता है। अब इसी सम्मान की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान ओम प्रकाश बाबू जी हमारे बीच, श्रीमान विनोद जी जाटव, श्रीमान विनोद जी जाटव के स्वागत एवं सम्मान के लिए जो कि प्रधान है हिंडौन पंचायत समिति के जोरदार तालियों के साथ आज हमारे महाविद्यालय में ये अतिथिगण प्रधान हुए हैं, जिनका महाविद्यालय की हमारी कोई भी जरूरत हो कोई भी आवश्यकता हो जो हमें निरंतर हमारा उत्साह उत्पन्न करते हैं। ऐसे अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत की इसी श्रृंखला में सत्र 2022-23 के आप सबके द्वारा छात्र प्रतिनिधि के रूप में छात्रों के द्वारा चुनाव के माध्यम से, क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकमंत्री प्रथम पाठशाला ये महाविद्यालय आज आप देख रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो अध्यक्ष चुने गए छात्र अंकुर मीणा महाविद्यालय के छात्र जो की अध्यक्ष है छात्र संघ कार्यकारिणी के, उनके स्वाभिमान सम्मान एवं स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री प्रेम सिंह मीणा जी जो की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है कि वो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर मीणा का मान्यार पर स्वागत करें अभिनंदन करें। One more.